रीवा जिले के श्याम जहां मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र से रैगिंग के मामले में आरोपी की जांच के बाद यह साबित हुआ है कि हॉस्टल में छात्रों ने रैगिंग की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 5 छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए हैं। जूनियर छात्र ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ कॉलेज में कुछ सीनियर्स छात्रों द्वारा रैगिंग के बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने डॉक्टर आदेश पाटीदार के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि सीनियर छात्रों ने हॉस्टल में रैगिंग की थी, जिसके चलते छात्रों से हॉस्टल खाली कराने के लिए कहा गया है। क्या जिस पर जांच की गई और कुछ कार्रवाई की? कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ के प्रथम वर्ष के एक MBBS छात्र ने एंटी रैगिंग की जो शासकीय वेबसाइट है उस पर एक शिकायत की थी, जो हमको ऊपर से प्राप्त हुई थी। कार्रवाई के निर्देश मिले थे, इस पर अधिष्ठाता महोदय ने तुरंत संज्ञान लेके और एक कमेटी गठित कर दी थी जिसने जाँच की, और फिर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज की है उसको दी। एंटी रैगिंग कमेटी ने उस पर विचार किया। वो अधिष्ठाता की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी बनी है और उस कमेटी ने विचार करके उस कॉलेज में जो वर्ष 1920 के 4 छात्र और वर्ष 1918 का 1 छात्र, इनको 3 माह के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया।